इस वैज्ञानिक युग में लोग चांद पर पहुंच रहे हैं, मगर धरातल पर आज भी अंधविश्वास कायम है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको पूरे वाकये से अवगत कराते हैं। बिहार के मधेपुरा ज़िले का मामला है, जहां आज भी अंधविश्वास को लोग आस्था मान रहे हैं। पुराने नीम के पेड़ से निकल रहे दूध जैसे पदार्थ को लोग चमत्कार बता रहे हैं। नीम के पेड़ के पास पिछले एक सप्ताह से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। दूरदराज के इलाके से ग्रामीण इलाके तक लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मधेपुरा ज़िले के घैलाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत घैलाड़ गांव के वार्ड संख्या 3 का वाकया है, जहां एक पुराने नीम के पेड़ से दूध के जैसा पदार्थ निकल रहा है, जिसे कुछ लोग चमत्कार बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे देवी देवताओं का वास कह रहे हैं। यहाँ पिछले एक सप्ताह से पूजा पाठ हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और पेड़ से निकल रहे दूध जैसे पदार्थ को नीर यानी प्रसाद समझकर घर ले जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस पदार्थ से मवेशी की बीमारी और गठिया की बीमारी ठीक होती है। प्रत्येक न्यूज़ लाइव इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ से नीर ले जाते हैं ना, माल जाल को लगा के सही हो जाता है। माल जाल का चक्का आज हम लगा उसका ठीक है। सुने हैं या अपने पड़ोसी को देखे हैं कि लगाया है ठीक हो गया है? सुनने के बाद आए हैं। ये ना चूद रहा है, एहन गप है नहीं कहें। ऊपर से दूध जगह गिरे से नीचा पानी भर रहा है, एकरा की माने छी? कौन देवता माने छी पढ़ के? गप तो हम नहीं जाने छी जे कोन देवता है। लेकिन नीर ले ले एलिए माल का पूजा जे कर ले की देवता के माने छे? कौन देवता माने छे? ठीक छे नीर ले छे माल जाल के देबे, अभी तक लगे नहीं, लगबे के बाद पता चलते। लेकिन ए देवता कौन देवता माने छे नीम गाछ के? भगवती माने छे। भगवती भगवती सात बहिन भगवती छे।